जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में कृषक उत्पादक संगठन जनपद स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जनपद के 29 फार्मर प्रोड्यूसर के साथ बैठक की गई है, जो कि हर महीने की जाती है, जिसमें किसानों को बैंकों से लोन के लिए जो समस्या आ रही है उस पर चर्चा की गई है। प्रयास है कि सभी FPO इस साल 1 करोड़ टर्नओवर तक पहुंच जाएं, जिनमें प्रगतिशील किसान जुड़े हुए हैं, जिनका हर तरह से मदद किया जाएगा, जिससे सभी किसानों की अच्छी कमाई हो सके। इसके साथ ही 1 हेक्टेयर गेहूं बोने वाले किसानों को आसानी से 50 से 65 हजार का लोन मिले, सभी बैंकों को निर्देशित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, उनकी बैठक हम रेगुलरली हर महीने लगभग हम तो सारे नहीं हुए, आज लगभग सारे हैं, व्यापार को छोड़ के। और पिछले महीने के जो समीक्षा कर रहे थे, मैंने सर आपको मीटिंग में बोल दी है, और बाकी इंडिविजुअल बेसिस पे ये लोग कुछ कुछ काम कर रहे हैं। सर आपने कहा था कि इंट्रोडक्शन आपसे करवा दें उनको। सर हमने पिछली बैठकों में ये बताया था कि जो कृषि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसमें क्या क्या काम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में क्या प्रोविजंस हैं, 2 करोड़ तक के लोन के 3% इंटरेस्ट रेट के साथ क्या क्या काम ले सकते हैं, ये सब उनको पता रखता है। तो कृषक प्रोड्यूसर कंपनी जय विरोजा बोर्ड ये सुरभि बीज प्रोड्यूसर कंपनी के लोग हैं। आपका नाम श्री रवि प्रकाश मिश्रा है। थोड़ा सा ये बताइए कि अभी आपका टर्नओवर 33 लाख हुआ है, सही है? इससे ज्यादा हो गया है। आप क्या क्या बेच रहे हैं? ऐसे हम लोग ग्राउंडनट का हमारे पास सीड है, ग्राउंडनट है, मलब्रॉड था। कितने मेंबर है? 811 मेंबर है। तो ये कौन से क्षेत्र में है? ये जंगल कोडिया में है। हम लोग जब बनाए थे तो जंगल कोडिया और पूर्णिया दोनों एक ही में था, तो अभी तो हमारे मेंबर दोनों ब्लॉक में। तो क्या समस्या आई हुई? अभी तो हमको कोई समस्या नहीं है, अपनी ब्रांडिंग है सुरभि के नाम से, वर्मी कम्पोस्ट है, बायो बेस्ड रिप्लेंट बनाते हैं, उसको मार्केटिंग कर रहे हैं, साथ में सीड भी है और प्रोसेसिंग यूनिट भी हमने शुरू कर दिया। जैसे हम लोग अपना नाबार्ड से कोई वित्त पोषण मिला है? शुरू में जब 2015 में हम लोगों ने नाबार्ड के सपोर्ट से बनाया था, तो उस समय से ही हम इसको कर रहे हैं। अभी कोई वित्त पोषण की आवश्यकता है बैंक से? कोई बैंक से सर हम नाबार्ड से लिए थे, नाब किसान से। अभी कोई निवेश के लिए जरूरत नहीं है? अभी नहीं, मेरे पास है। तो बेसिकली आप सीड प्रोडक्शन, मिलेट प्रोडक्शन, ये सब कर रहे हैं? मिलेट का वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। तो कोई विविधीकरण करना चाहिए और कोई प्रोसेसिंग करवाइए? ये तो सीड प्रोडक्शन तो सभी करते हैं। हाँ, हम चाहते हैं अपना जो है कोई ब्रांड बनाए हैं आपने? हाँ, हम लोग प्रोसेसिंग करना चाहते हैं अपना खुद का। अभी हम प्रोसेसिंग DRDO के साथ कराते हैं अपने सीड का, तो उसका प्रोसेसिंग यूनिट के लिए हम खुद अपना दृष्टि स्कीम था उसमें लाना चाहते हैं। हमारे इनको कोई बढ़िया दिया लाइसेंस तो आपके पास है? हमारे पास सारे लाइसेंस हैं, सारे लीगल डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। लीगल पिछली बार प्रॉफिट कितना हुआ था वो नंबर में बढ़ गया था 511 में, ये तो कम है, तो इसको हमें 32 करोड़ तक पहुंचाना है। अब तक क्या रणनीति है? अब तक का हमारा जो टर्नओवर था 1,80,206 का। ठीक है, इसको 10 साल का प्लान क्या बनाया? 10 साल में हम सीड प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग को और आगे कर रहे हैं सर, लेकिन अपने वहाँ नहीं कर पाते, अभी हम हायर बेस्ट करते हैं। इनको देखिए, हमें जल्दी से कर लो, देखिए जैसे कंपनी चलती है। जनपद के 29 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठक की गई, ये हर महीने हम लोग बैठक करेंगे, और जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए निवेश के लिए बैंकों से समस्या आ रही हैं, इनपुट्स के लिए विभागों से समस्या आ रही है, विपणन के लिए समस्या आ रही है, तकनीकी सहयोग चाहिए जो KVK के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे, सभी में मदद करेंगे। हमारा टारगेट है कि हर FPO इस साल कम से कम 1 करोड़ टर्नओवर तक पहुंच जाए। बहुत ही प्रगतिशील किसान और हमारे उद्यमी उसमें जुड़े हुए हैं, इनके
इनके गतिविधियों को हम लगातार अनुश्रवण करते हुए, इनको हौसला बढ़ाते हुए, इनकी प्रशासनिक मदद कराते हुए, इनको और अच्छा निवेश हो, अच्छी पूंजी हो और अच्छा विपणन हो, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं।